वेलकम वेलकम बैक टू नानीज वर्ल्ड। आज हम चिकन और मेथी बनाएंगे। तो इसका जो है क्या क्या हमने इंग्रेडिएंट लिया है वो तो बता दें आपको। ये देखिए, ये हमने जो है आधा चम्मच जीरा लिया है, 1.5 चम्मच धनिया की बुक्की ली है, और कुटी हुई मिर्ची ली है आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा ये लिया है। और हमने इतने टमाटर लिए हैं, 7 टमाटर लिए हैं, और 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं हमने, स्लाइस किया है। और ये हरी मिर्ची, हम लोग स्पाइसी नहीं कम खाते, तो ये 3 हरी मिर्ची लिए टमाटर के साथ पीसेंगे। सबसे पहले हम ऑयल डाल, ये हमने भी जीरा डाला है, 1 तेज़पत्ता डाला है ना, ये जीरा डाल रहे हैं, 1 तेज़पत्ता डाला है। और ये हमने ब्लिस्ता बना लिया, देखिए ये ब्लिस्ता बना के रेडी रखा है। और हमारा ये 1.25 किलो चिकन है, ये वॉश करके रेडी रखा है। और एक बड़ा बंच हमारा ये टमाटर का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच ना डाला, हिंग डाला, हिंग कितनी डाला, 2 पीस। कैसा ठंडी में आजकल सीजन में ये सब मेथी पालक ये सब बहुत अच्छा लगता है बनाने को। नॉन वेज बना लो, ऐसे भाजी बना लो, पनीर के साथ भी बनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आगे जाओ, ये देखिए अभी ये हमारा थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट भून गया है थोड़ा, और बाकी चिकन में डाल के भूनेंगे हम लोग। अभी हम लोग लखनऊ गए थे तो वहाँ तो एकदम ताज़ी भाजी यहाँ भी मिलती है। हम लोग न्यू बॉम्बे में, हम लोग के यहाँ गाँव है इधर साइड में, तो यहाँ गाँव की भाजियाँ आती है, बहुत अच्छी रहती है एकदम, हमारे एकदम फ्रेश भाजी का टेस्ट ही अलग रहता है बनाओ तो। ये गोश्त में भी बनता है, हम लोग का चिकन मंगाया था तो हमने सोचा चिकन में बनाया है मेथी डाल के। ये चिकन हमारा भी भुन गया है, ये देखिए इसका पानी, इसमें तेल ऑयल छोड़ दिया है अभी। अब हम इसमें डालेंगे ये मसाले, इसमें जो है धनिया की बुक्की, जीरा पाउडर, और ये मिर्ची, मिर्ची कम खाते हैं इसलिए हम लोगों ने बहुत कम डाला है। और आपकी आपके ऊपर, आप जितना टेस्ट अपना जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से डालिए। थोड़ा इसको मसाले डाल के भी भून लेंगे, ये
इसको थोड़ा भून के फिर हम डालेंगे इसमें मिर्ची का अलग छोड़ दो थी, मिर्ची भी उसको पीसते गए थे हम, तो इसलिए मिर्ची को हमने टमाटर के साथ पीस लिया है। बहुत से लोग काट के भी डालते हैं स्लाइस करके टमाटर, लेकिन हमने पीस लिया थोड़ा दरबरा दरबरा है, देखिए टमाटर पीस लिया है और इसमें मिर्ची भी है, हम मिर्ची पीस लिया और हमने तीन ही मिर्ची ली है। डालो पहले हमने डाल दिया है टमाटर, अब इसको हम फास्ट आंच में भून लेंगे। अब ये डालेंगे हम नमक, नमक जो है आधा चम्मच डाला है, फिर बाद में भूनने के बाद जब हम भाजी डाल के भूनेंगे उसके बाद हम फिर चखेंगे, अगर हमें कम लगा तो फिर और डाल देंगे। तो ये स्टार्ट, अभी इसको थोड़ा तो नमक डाल दिया, अभी भूनेंगे हम। आंच करके थोड़ा भूनेंगे, ये हमारे यहाँ कौन आया है, हानिया आई है, अहमद आया है, अहमद सलाम करो, अहमद शर्मा अहमद सलाम करो, तुम ब्लॉग बनाते हो ना, अभी नानी बना रही, सलाम करो हानिया, सलाम करो, सलाम करो हानिया, सो के उठी, थोड़ा मूड हुआ है हानिया का इसलिए हानिया सलाम नहीं करना चाह रही है ना हानिया। नाना कहाँ गए, अल्लाह अल्लाह करने गए नाना, हानिया को पता है नाना ने सलाम, नाना बोले अल्लाह अल्लाह करने जा रहे। अच्छा और अब्बू कहाँ है, ट्यूशन गए क्लासेस, और अहमद क्या कर रहा है, भाई भाई मोबाइल देख रहा है, दांत अहमद सीधे रखो, बहुत तो अभी हमारा चिकन जो है मेरी बहू जो है ना वो बोले थोड़ा, मुलुक में इतना बड़ा किचन था, बहुत अच्छा हम लोग आज मुलुक से आए हुए 12-13 दिन हो गए ना, मगर मुलुक की सब्जियों में जो टेस्ट है मेरे ख्याल से बॉम्बे में भी नहीं है। मैं पानी डालू, ऐसे यहाँ हमारे यहाँ न्यू बॉम्बे में मेथी थी सब गांव से आती, वही हम लोग लेते हैं, बहुत अच्छी उसमें टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। ये मेथी हम जो है थोड़ा सा नाइफ से चॉप कर लेंगे, और जीरा राइस नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत ऑयली ऑयली खाना हो जाता है, सादे राइस बनाएंगे। रोटी हमारी बन चुकी है, ये है ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि जो YouTube पे डालने के लिए उनको जो कुकिंग का बताना होता है वो अलग ब्लॉग बनाते हैं, घर का अलग बनाते हैं, तो इतनी तकलीफ क्यों करने का, जो अपने घर में आप बनाइए और दिल से उसको शूट करिए और अपलोड करिए तो पब्लिक पसंद करेगी हर हालत में, हर चीज़ नेचुरल दिखनी चाहिए। हम जो खाते हैं वो हमारे यूट्यूबर को सारों को बताएंगे कि भाई हम ये खाते हैं, ये हम बनाना आता है, हमें ये बता रहे हैं आपको, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। ऐसा नहीं कि हम अपने घर के लिए बना लें कुछ भी फिर उनके लिए, ऐसा कुछ नहीं है, बनाओ जो बनाओ अच्छे से बनाओ, घर में बनाओ उसी को शूट करो। हम दरियाबाद में थे 2 दिन, इत्तेफाक से आलू गोश्त बनाया हमने फर्स्ट टाइम, थोड़ा भुना भुना बनाया, जाने के 12 को पहुँचे हम लोग, 4-5 दिन के बाद 3-4 दिन के बाद शूट किया हमने आलू गोश्त का, लेकिन भुना भुना बनाया था। और जब फिर आने के 5 दिन रह गए थे बॉम्बे, आने के 5 दिन रह गए थे तो हमने फिर आलू गोश्त इत्तेफाक से बनाया, तो वो जो है
हमने थोड़ा सा पतला रखा सालन, लेकिन हमने सोचा कि वापस से यूट्यूबर सारे मेरे जितने व्यूवर्स हैं बोलेंगे कि आलू गोशी बनाते हैं, तो इत्तेफाक था। लेकिन ऐसा है कि एक टाइम ग्रेवी वाला बनाया, एक टाइम भुना भुना बनाया हमने, तो ये सब चीज़ का तो हम तो इतना ध्यान नहीं रखते, जो बना रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। और सब सीजन वाली चीज़ें ही मज़ा आती है इसमें। ये हमने इसको थोड़ा सा मेथी को चॉप कर लिया है, वो कर लिया है, बारीक बारीक काट लिया नाइफ से। अभी गोश्त को भूनते में इसको डाल देंगे। छः सात टमाटर लिए थे ना छोटे साइज के, उसको हमने पीस लिया था। पीस कैसे लिया था, एकदम बारीक पेस्ट नहीं किया था, दरबारा पेस्ट किया हमने। तो हमारा हो जाएगा, बन गया, बन गया मसाला, भूल गया। अब ये जो है मसाला, कैमरे नज़दीक ला, ये हमारा तेल छोड़ दिया है, मसाला पूरा रेड भून गया है। अब इसमें हम डालते हैं बिलिस्ता। आज हम फ्रंट कैमरे में बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें जो बिलिस्ता बनाया था हमने, 5 प्याज लिया था हमने मीडियम साइज़ की, को थोड़ा जाड़ा ही जाड़ा पीसा बेचते को हमने, बहुत बारीक नहीं किया, तो अच्छे से पोज में बेच नहीं होना चाहिए। भूने इसको ऑलरेडी, इसको भूनने की ज़रूरत नहीं, ब्लिस्टर डाल के थोड़ा सा चला के मिला दें, फिर हम डालेंगे मेथी। अभी हम डाल रहे हैं इसमें मेथी, मेरा मसाला भून गया, गोश्त भी मतलब 75% पक गया है, चिकन जल्दी गलता है तो 75% पक गया, बाकी ये मेथी डालेंगे तो उसमें थोड़ा भून लेंगे तो हो जाएगा। ये हमारा मेथी का हो गया। हम लोग के गांव में, वहाँ हम लोग के पड़ोस में जो एक फैमिली रहती है, अलग सब खेत से लाते थे और हमने एक ही टाइम बनाया, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था, फिर वहाँ सब घूमने फिरने में इतना टाइम चला गया हमारा, 10-12 दिन तो हम लोग घूमने फिरने दावत आवत में सब चले गए। ये हम इसको 7-8 मिनट इसको थोड़ा भून लेंगे भाजी के साथ, फिर हम थोड़ा नमक चखेंगे, थोड़ा भाजी हमारी हो जाए, इसको खोल के ही करेंगे, नहीं तो इसका जब बंद कर दिया ढक्कन तो कलर चेंज हो जाएगा। हरी भाजी कभी भी आप खोल के बनाओगे तो उसको कलर कभी भी नहीं पड़ चेंज होएगा, ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा। इसको हम थोड़ा स्लो आंच पे रख दें, 6-7 मिनट तक रखेंगे, फिर ये जब भाजी पक जाएगी तो समझ लीजिए हो गया। चलिए फिर हम चावल स्टार्ट बनाते हैं, चावल रखते हैं। ये हमारा अभी रेडी हो गया है, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया और कितना तेल उससे छूट गया है, अभी ऑलमोस्ट जो रेडी हो गया, अब हम आपको सर्व करके बताते हैं। ये देखिए ये लो, ये देखिए हमारा बन के रेडी हो गया है, और बनाइए आप, कोशिश करिए। और ये तो मतलब एक बहुत ही इजी है, ये रेसिपी बहुत ही इजी है, बस खाने में टेस्ट आना चाहिए। ये देखिए फ्रंट कैमरा बता रहे हैं,
ये हो गया मेरा बन के रेडी हो गया है, और खाएंगे तो हम लोग 9:30 के अंदर नमाज़ पढ़ के। लेकिन ये देखिए बन के रेडी हो गया। चलिए दुआ में याद रखिए, अड़ोस पड़ोस साफ़ सफाई रखिए, ख्याल रखिए एक दूसरे का। आजकल कोविड का फिर वापस से हो रहा है, तो उसके लिए ये है कि आप कहीं भी निकलिए मास्क लगा के निकलिए, और इधर ज़्यादा भीड़ भाड़ में आइए जाइए मत, इस सब चीज़ का अपना ख्याल रखिए। बस दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे।